हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिजीजेज़ ये वो ऐसे कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो कि पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं और ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं तो इस सीरीज़ में सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन ट्राईपेनोसोमियास पे जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं और स्लीपिंग सिकनेस जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट की वजह से होती है जो कि ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया स्पीशी से बिलोंग करते हैं ये जो पैरासाइट्स हैं ये बेसिकली सट से फ्लाई जो है ये ट्रांसमिट करती है ह्यूमंस के अंदर और ये फ्लाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ सब सहारन अफ्रीका में पाई जाती है अब जो पैरासाइट है इसकी दो मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंगशबल सब्सपीशीज़ हैं मीन्स के मॉर्फोलॉजी की बेस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दो सब्सपीशीज़ हैं जो कि अफ्रीकन ट्राईपेसोमी से करती हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रोसियाई ग्बियनसी जो कि स्लोली प्रोग्रेसिंग अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियास कॉस करती है मीन्स के सिम्टम्स और जो डिजीज़ का ऑनसेट है वो स्लो होता है एज़ कम्पयड टू ट्राइपेनोसोम्रोसियाई रोडिसिय ठीक है और ये जो पेरिसाइड है ये वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है जबकि ट्राइपानोसोमाब्रोसिया रोडिसियसी जो है ये एक्यूट अफ्रीकन ट्राइपानोसोमियास क्रॉस करती है मीनस की डिजीज़ का जो ऑनसेट है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द डिजीज़ कॉज्ड बाय डेमसी और ट्राइपेनोसोमा ब्रोसी या की वजह से जो अफ्रीकन ट्राईपेनोसोमियाज है ये ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में पाई जाती है या इंडिया में खोती है अब कंट्रोल एफर्ट्स जो हैं लास्ट फिफ्टी ईयर्स में उसके रिज़ल्ट में जो है नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड केसेस जो हैं अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियाज़ के इसलिए स्लीपिंग सिकनेस के ये कम हुए हैं 2009 में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे जबकि 2017 से 18 में 2,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 2020 में 2020 में, 2020 में 700 केसेस जो हैं ये रिपोर्ट हुए थे और जिनमें 85 एटी फाइव परसेंट केसेज थे ट्राईपेसोम्रूसिया एम्बीएंसी की वजह से और 15 परसेंट केसेज हुए ड्यू टू ट्राइपेनोसोम ठीक तो है तो कंट्रोल एफर्ट्स के रिजल्ट में विद द विदिज ऑफ टाइम नंबर ऑफ केसेस जो हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं नेक्स्ट ये यह यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ट्राइपेनोसोम ब्रूसिया ये क्या है प्रोटोजो प्रोटोजोन है पैरासाइट है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है और सेट से फ्लाई जो है ये इसका वेक्टर है जो कि इसको ट्रांसमिट करता है ह्यूमस के अंदर और इट रिजल्ट इन डिजीज स्टेट नेक्स्ट अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात की करें तो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया गैम्बियनसी जो है ये वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में एंडेमिक है मीन्स वहीं पे पाया जाता है जबकि ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया रोडिसियनसी जो है ये ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका जो है वहाँ पे पाई जाती है और इन दोनों की जो रेंजेज़ हैं मीज जिन जियोग्राफिकल एरियाज़ में ये पाए जाते हैं सिर्फ उन्हीं में होते हैं सिर्फ युगांडा जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये दोनों प्रोटोसोन पैरासाइट्स जो हैं ये पाए जाते हैं दी स्पीशीज आर को इन दिस एरिया ठीक है तो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया रोडिसियनसी की वजह से जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज हो रही है उसको हम ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं और ट्वेंटी में तकरीबन हंड्रेड केसेस जो हैं ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या ट्राइपेनोसोमिस के ये रिपोर्ट हुए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट ट्राइपेनोसोमा ब्रोसिया गैम्बीनसी की वजह से जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज हो रही है उसको हम वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं क्योंकि ये जो अफ्रीका के वेस्टर्न एरियाज हैं मींस जो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका है वहाँ पे ये एंडेमिक होती है और 2020 में तकरीबन 600 हंड्रेड केसेज जो हैं वेस्ट अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमसेस के ये रिपोर्ट हुए और इन में भी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा केसेज जो हैं ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कॉन्गो में रिपोर्ट हुए नेक्स्ट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो स्लीपिंग uh, सिकनेस की जो दोनों फॉर्म्स हैं ट्राइपे वेस्ट अफ्रीकन है या ईस्ट अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियास है ये दोनों सेट से फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट होती हैं ठीक है मतलब पैरासाइट uh, कोई भी है वेक्टर जो है इनका सेम है दोनों का और uh, से फ्लाई जो है ये रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पे पाई जाती है और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये फॉरेस्ट और वेजिटेशन वगैरह के करीब पाई जाती है और ये डे लाइट में बाइट करती है मीन्स दिन के टाइम पे ये बाइट करती है और मेल और फीमेल दोनों जो हैं ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती हैं इवन इन एरियाज द डिजीज एंडली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ फ्लाइज आर इन्फेक्टेड ठीक है endemic, अब जहाँ जिन एरियाज में ये डिजीज इंडेमिक है वहाँ पे भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ फ्लाइज की जो कि इन्फेक्टेड होती है लेकिन इनकी जो ट्रांसमिट करने की रेशो है वो बहुत ज़्यादा होती है मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो हैं ये सेट्सफ्लाई की बाइट की वजह से ट्रांसमिट होती हैं लेकिन कुछ और जो हैं मोड्स हैं ट्रांसमिशन के जिनकी वजह से ये जो ट्राइपानोसोम सोमियासिज है ये ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन तो so, uh, जो प्रेग्नेंट uh, वमेन है ये इस इन्फेक्शन को अपने अनबॉर्न बेबी जो है फीटस जो है उसमें ट्रांसमिट कर सकती हैं और ट्रेपेनोसोमा ब्रूसिया गम्बियनसी जो है इसकी uh, जो है ये रिपोर्ट भी हो चुका है कि मदर से चाइल्ड में गया है इन थेरीफेक्शन इन्फेक्शन जो है ये किस किस और वजह से ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है या फिर लैब में अगर आपका इस पैरासाइट के साथ एक्सपोजर हो जाता है तो उस केस में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है लेकिन इस तरीके से जो ट्रांसमिशन है इसकी केसेस जो हैं ये बहुत रेयर हैं और पोअरली डॉक्यूमेंटेड हैं नेक्स्ट ये लाइफ साइकिल है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया गेमी और सी ब्रूसिया ट्राइपेनोसोमाब्रूसिया का जिस कि किस तरीके से ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होती है और सेट से फ्लाई के अंदर ट्रांसमिट होती है अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सेट से फ्लाई जो है ये आप ह्यूमन बॉडी से ब्लड ही लेती है और इसके साथ ही क्या करती है कि मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक रोड्स जो हैं इनको ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है ठीक है, है नेक्स्ट में विलियन स्टेजेस जो हैं इनमें क्या होता है कि जो इंजेक्टेड इन, इन, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिक में ट्रांसफर हो जाते हैं जो ट्राइपोमेस्टिक हैं ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं और जो है बॉडी फ्लूड्स जैसे कि लिम्फ है या स्पाइनल फ्लूड है इसमें ये बाइनरी फिशन जो है इससे मल्टीप्लाई होते हैं मीन इनमें यह सेक्शल रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फिशन ब्लड स्ट्रीम में जब ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो ये इनकी डायग्नोस्टिक स्टेज होती है मीन्स कि इनको हम उस टाइम पे ब्लड टेस्ट्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर है ये अगर आपको से फ्लाई जो है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रही है तो डेफिनेटली जो उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्राइपोमेस्टिगोट्स हैं वो ये सेट फ्लाई इंजेस्ट कर लेगी उसके बाद जो ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोड्स हैं ये जो वेक्टर है जो कि सेक्सफ्लाई है इसके मिड गर्ट के अंदर प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोड्स में ट्रांसफॉर्म होंगे और प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोड्स जो है ये फर्दर बाइनरी फिशन की प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड्स जो हैं ये मिड गर्ट से फिर निकलेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे इंटू एपीमेस्टिकोड्स एपीमेस्टिक गोड्स जो हैं ये ग्लैंड में जाएंगे और वहां पर मल्टीप्लाई होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू मेटासाइक्लिक साइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गोड्स और जब ये फ्लाई किसी और को बाइट करेगी तो ये टासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोर्स जो है ये उस पर्सन के अंदर या कोई भी एनिमल है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगी ठीक है सो so, कैटल या दूसरे वाइल्ड एंगुलर्स जो हैं उन दे एक्ट एज रेज फॉर ट्राइपोन सोमा ब्रोसियाई रोडिस मीन उनके अंदर भी ये मौजूद होते हो हैं पॉसिबली ड्यू टू द दाइट्स ऑफ सेट्स फ्लाइज नेक्स्ट है जी साइंस एंड सिम्टम्स जो स्लीपिंग सिकनेस इन्फेक्शन है इसकी मेन दो स्टेजेस हैं इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज जो है ये हीमोलिटिक स्टेज है और इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है दैट इज मिंगो एंड स्टेज और ये वो स्टेज है जब ट्राइपानोसोम्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर जाते हैं जो दोनों स्टेजेस हैं इनके कुछ साइंस और सिम्टम्स जो हैं ये कॉमन है और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जो है समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है तो फर्स्ट स्टेज भी आ, के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स अपीयर होने से पहले एक ट्राइपानोसोमल कैंसर कैंसर जो है ये अपीयर होता है और ये क्या है ये जिस जगह पे सेक्चेफ्लाई ने बाइट किया है वहाँ पे स्वेलिंग होती है इन्फ्लमेशन होती है जो कि बाइट करने के दो या दो हफ़्ते के दो दिन या दो हफ्ते के बाद तक हो सकती है स्लीपिंग सिकनेस के जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सिम्टम्स जो अपेयर होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं मीन्स के आ, आ, फीवर हो सकता है और फटीग मलेज ठीक है वीकनेस हो सकती है और जो डिजीज़ ट्रेपेनासोम्रोसिया रोडिसियंसी की वजह से अगर स्लीपिंग सिकनेस कॉज हो रही है तो उसके जो सिम्टम्स हैं ये एक से तीन वीक्स के बाद अपीयर होंगे फ्लाई के बाइट करने से एक से तीन हफ्ते के बाद होंगे ठीक है जबकि ट्राइपेनोसोम ब्रूसियागेमसी जो है ये स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज होती है इसकी वजह से क्या है कि जो सिम्टम्स हैं ये अपेयर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स जो हैं दोनों टाइप्स की जो स्लीपिंग सिकनेस है उनके लिए फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स कौन से हैं हेडेक है मलेज है वीकनेस है, है फटीग हो सकती है प्रियोराइटिस प्रियोराटिस से मुराद है इची स्किन आर्थरॉलजिया आर्थरॉलजिया जॉइंट पेन जो है इसको हम आर्थ्रोलजिया कहते हैं फर्स्ट स्टेज साइंस जो हैं इनमें यह भी हो सकता है कि पैटो स्प्लिनों में गैले मीनस के जो लिवर स्प्लिन जो है इनका साइज ज़्यादा हो सकता है वेट लॉस हो सकता है या इंटरमीडियंट फीवर्स कुछ चर्चे के बाद मतलब पीरियडिक फीवर्स हो सकते हैं जो कि एक दिन से एक वीक तक जो है वो रह सकते हैं इंटरवल्स बिटवीन फीवर्स कैन लास्ट डेज और मंथ्स ठीक है जो इंटरवल है वो फीवर्स के दरमियान का जो इंटरवल है वो कुछ दिन हो सकता है या कुछ महीने तक भी हो सकता है नेक्स्ट ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया गम्बियंसी का जो इन्फेक्शन है ये सेकेंड स्टेज uh, तक जाने के लिए मीन्स फर्स्ट स्टेज जो है इसकी ये 300 हंड्रेड टू फाइव डेज के लिए होगी जो इन्फेक्शन ट्राइपेनोसोमा ब्रूसिया गम्बियसी की वजह से हुआ है उसका जो फर्स्ट स्टेज है इट लास्ट फॉर 300 हंड्रेड टू फाइव डेज ठीक है जबकि ट्राइपेनोसोमा ब्रोसिया रोडिसिय की वजह से जो इन्फेक्शन है इसके जो फर्स्ट स्टेज है इट लास्ट फॉर ट्वेंटी टू सिक्सटी डेज ठीक है और बोथ टाइप्स ऑफ डिजीज जो हैं इनके लिए क्या है कि जो सेकेंड स्टेज है इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड तो सेकेंड स्टेज जो है ये बेसिकली कम है इसको हम इनिंगो एंड स्टेज भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो uh, पैरासाइट्स हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वेट कर चुकी होती हैं दैट्स वाई उस uh, स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए डायगनोज करने के लिए सैरीब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है इसको एग्जामिन किया जाता है इन सेकेंड स्टेज डिजीज इन्वेजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम काजेज़ द वायटी ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक्स मैनिफेस्टेशं मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वेड हो चुका होता है और जो सिम्टम्स हैं ये न्यूरोसाइकेट्रिक होंगे ठीक है और फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स जो हैं ये भी उसके साथ साथ होंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट सिम्टम्स न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन जो हैं या सिम्टम्स जो हैं ये भी अपेयर होंगे तो वो कौन से होंगे स्लीपेक साइकिल जो है ये आपका रिवर्स हो जाएगा इट मीनस के Uh, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस सी इसलिए कहते हैं कि डे टाइम जो है उसमें आप आपका स्लीप टाइम होगा जबकि नाइट टाइम जो है उसमें नॉक्टर्नल इंसोमिया होगा रात के टाइम पे नींद नहीं आएगी दिन के टाइम पे आप सो जाएंगे जो सेकंड स्टेज सिम्टम्स हैं इनमें कुछ जो मेंटल मोटर सेंसरी और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम उन पर बात कर लेते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें सबसे पहले हेल्यूसिनेशन है हेल्यूसिनेशन बेसिकली क्या है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी फॉल्स परसेप्शन परसेप्शन डिस्टर्ब होती है नेक्स्ट है डिलीरियम डिलीरियम जो है इट इज़ अ सीरियस चेंज इन मेंटल एबिलिटीज आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है या एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर सीरियस चेंज आना एंग्जाइटी है इमोशनल लायबिलिटी है इमोशनल लाइबिलिटी uh, से मुराद ये है कि मूड स्विंग्स होंगे सडन चेंजेस होंगे मूड्स के अंदर ठीक है और अटेंशन डेफिसिट है ए है ए से मुराद है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट या तो सजमिया कंसान कोई भी इंसान शो नहीं करेगा किसी भी चीज़ के अंदर एग्रेशन है मैनिया है इज़ आल्सो एक्सट्रीम और एग्जाइजरेटिड मूड चेंजेस ठीक है तो एबनॉर्मली एलिवेटेड जो इमोशंस हैं उसको हम मैनिया कहते हैं नेक्स्ट कन्फ्यूजन है मोटर डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें मोटर वीकनेस है एबनॉर्मल टोन है गेट डिस्टर्बेंस है इट इज़ मेनली ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन और एटैक्जिया है एटेक्जिया से मुराद है कि मसल uh, कंट्रोल जो है बॉडी के जो मसल्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं होगा मसल कंट्रैक्शंस पे नेक्स्ट है ट्रिमर ट्रिमर जो है इट इज़ बेसिकली द इनवल्ट्री रिदमिक मसल कंट्रैक्शंस एंड नेक्स्ट इज स्पीच सेंसरी डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें पेरास्थीजिया है इन हाइपरस्थीजिया है और एनेस्थीजिया है पिरियोराइटिस है विजुअल प्रॉब्लम्स हैं पेरास्थीजिया से मुराद ये है कि जो नीडल लाइक सेंसेशन मीन्स प्रिकलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन होती है आप बॉडी में ठीक है और हाइपरस्थीजिया से मुराद ये है कि बॉडी जो है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है और एनस्थीजिया से मुराद ये है कि नंबनेस के कोई जो सेंसेशन जो है वो कोई परसीव ही नहीं करती बॉडी ठीक है प्रियोराइटिस जैसे कि हमने पहले भी बात की है ये स्किन इची स्किन जो है इसको हम प्रियोराइटिस कहते हैं न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें अब नॉर्मल रिफ्लेक्स हैं सीजर्स हैं और कॉमा हैं ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं ये सेकेंड स्टेज में अपेयर होते हैं जब सिर्बर स्पाइनल या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये पैरासाइट इन्वेड कर चुका होता है तो कंपेयर टू ट्राइपेनोसोम ब्रूसिया गैम्बीएन सी ट्राइपेनोसोम ब्रूसिया रोडिसी एनसी इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन एंड्राइन अब नॉर्मैलिटीज ठीक है अब अगर हम इन दोनों पैरसाइट्स uh, को कम्पेयर करें दोनों सब स्पीशीज को कम्पेयर करें तो जो रोडिसी एनसी की वजह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज हुई है इसमें जो एंडोक्राइन ब्रॉन हैं वो ज़्यादा होंगे एडोरिनल ग्लैंड जो है वो इनएफिशेंटली वर्क करेगा थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन होगा हाइपोगनेडिजम गेड जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं करेंगे उनका साइज़ कम होगा और कार्डियवॉलमेंट ठीक है माओकार्डाइटिस इज मोर स्वेयर ठीक है जो आ, हार्ट के मसल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे तो ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा स्वेयर है नेक्स्ट है डायग्नोसिस डायग्नोस हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं जो फर्स्ट uh, स्टेज है उसके सिम्टम्स जैसा कि पहले बात की है कि वो जनरलाइज्ड होते हैं या नॉन स्पेसिफिक होते हैं जिसकी वजह से इसको जल्दी डायग्नोस करना जो है ये मुश्किल होता है और स्टार्ट पे जो डायग्नोस्टिक मयर्स हैं ये इनसेंसिटिव होती हैं टू द पैरासाइट अब डायग्नोसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि बॉडी फ्लूड जो है उनके अंदर पैरासाइट की प्रेजेंस जो है इसको कन्फर्म किया जाए पहले ठीक है तो ट्राइपेनोसोम्रूसिया गम्बियसी जो है इसको डिटेक्ट करना जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके जो ट्राइपोमेस्टिगोर्स होते हैं ये ब्लड स्मियर्स के अंदर जो है वो आ, इनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो होता है और वेरिएबल होता है इसलिए इनको ब्लड के अंदर जो डायग्नोस करना या डिटेक्ट करना ये मुश्किल होता है और इनको डायग्नोज करने के लिए क्या चीज़ जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप डिटेक्शन मेथड जो है इसको यूज़ किया जाता है और लिम्फ नोड से जो फ्लूड लिया जाता है उसको यूज़ किया जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट अगर ट्राइपानोसोमा ब्रोसिया रोडिसियनसी की बात की जाए तो ये इनमें क्या है कि बॉडी फ्लूड्स के अंदर इसका जो ट्राइपोमेस्टिकोड्स हैं इनका लेवल जो है वो ज़्यादा हायर होता है और हम इजीली इसको बॉडी फ्लूड्स या ब्लड जो है इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं और जो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप जो फ्लूड्स हैं वो कहाँ से ले सकते हैं कैंसर फ्लूड जहाँ पे सेट से फ्लाई ने बाइट किया है वहाँ से ले सकते हैं या बोन मैरोस्पायरेट जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और सीरोलॉजिक uh, टेस्टिंग जो है इसको भी यूज़ किया जा सकता है और रोडिसियसी जो है इसके लिए ये अवेलेबल नहीं है सो माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन जो है इसको ही यूज़ किया जाता है सीरोलॉजिक टेस्टिंग से क्या है कि आपके जो बॉडी फ्लूड्स हैं उनके अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वर्क करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा सो सो इट इज़ बेसिकली द टेस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूड्स अगेंस्ट एनी ऑफ द पैथोजन दैट हैज़ इन्वेडेड योर बॉडी ठीक है तो इस तरीके से हम इन जो पैरासाइट्स हैं इनको डायग्नोज कर सकते हैं नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इनको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है आ, अब ट्रापेनोसोमसिस जो है ये डायग्नोज हो चुकी है तो स्पेसिफ़िक ड्रग या ट्रीटमेंट कोर्स जो है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन के ट्राइपानोसोमाब्रूसियर गैम्बियनसी की वजह से है या ब्रूसिया रोडिसियनसी की वजह से है ठीक है और दूसरी चीज ये है कि किस डिजीज़ की स्टेज क्या है ठीक है कि पैरासाइट जो है इसने सेंड्रोनो सिस्टम को इन्वेड किया है अभी या नहीं किया ठीक है तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं पेंडामिडीन है ये एक रिकमेंडेड ड्रग है जो कि फ़र्स्ट स्टेज ट्राइपनोसमसियामी एनसी इन्फेक्शन की वजह से जो कि को ट्रीट करने के लिए दी जाती है और ये यू में अवेलेबल है तो जो ड्रग्स हैं उनमें सुरामीन है मेलारसोपुर है एफलोनीथीन है और निफरटिमोक्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं आ, किसी भी कॉम्बिनेशन में अफ्रीकन ट्राइबेन ऑफ सोमिया से जो है इसको ट्रीट करने के लिए और ये यू में कमर्शली अवेलेबल नहीं है और सी से आप आपको ये मिल सकती हैं सी क्या है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल तो फिजिशन जो हैं दे कैन कंसल्ट सी डी सी स्टाफ टू अपटेन दीज अदरवाइज अन अवेलेबल ट्रीटमेंट ड्रग्स ठीक है सी डी सी स्टाफ से आपका फिजिशियन जो है यह डॉक्टर जो है ये कंसल्ट कर सकता है और फिर उसको ये मेडिसन्स जो हैं मिल सकती हैं अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सो इसको ट्रीट करने के लिए या इसके प्रोफाइल एक्सेस के लिए कोई भी वैक्सीन या ड्रग जो है ये अवेलेबल नहीं है प्रोफाइल एक्सेस मीन्स के डिलेड uh, सिम्टम्स या फिर इसको ऑन uh, साइड जो है इसको डिले करने के लिए सो अफ्रीकन ट्राइपोनोसोम के लिए कोई भी वैक्सीन या uh, जो है वो इसके प्रोफाइल एक्सेस के लिए कोई भी ड्रग जो है वो अवेलेबल नहीं है तो प्रिवेंटिव मेयर्स जो हैं इसमें आप मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो वैक्टर है उससे आपका एक्सपोजर कम से कम हो सेट से फ्लाइस जो हैं उनके साथ आपका कांटेक्ट कम हो तो दूसरे जो हेल्पफुल मेयर्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि आप लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने ठीक है और जो है पेंट्स ऑफ मीडियम वेट मटीरियल इन न्यूट्रल कलर्स ब्लैंड विदग्राउंड एनवायरमेंट ठीक है बैकग्राउंड एनवायरमेंट के साथ बलैंड करने वाले जो भी कलर्स हैं वो पहने और uh, क्योंकि सेट सेफ लाइट जो है ये ब्राइट या डार्क कलर्स जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ठीक है तो इसलिए लाइट वेट क्लॉथिंग जो है उसके थ्रू ये बाइट कर सकती हैं मतलब आपने लाइट वेट क्लॉथ पहना हुआ है तो उसके थ्रू ये बाइट कर सकती हैं इसलिए मीडियम वेट uh, जो क्लॉथिंग है वो यूज़ करें और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स और पैंट्स जो हैं ये यूज करें नेक्स्ट इंस्पेक्ट व्हीकल्स बिफोर एंट्रिंग ठीक है अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल्स जो हैं उनको इंस्पेक्ट करें कि वहाँ पे तो कोई सर से फ्लाई नहीं है और दीज फ्लाई आर अट्रैक्टिड टू द मोशन एंड डस्ट फ्रॉम मूविंग वहीकल्स ठीक है जो मूविंग वहीकल्स हैं उनमें जो डस्ट है या मोशन है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं बुशज़ को अवॉइड करें लेस एक्टिव ड्यूरिंग द हॉटर्स पार्ट ऑफ द डे बट विल बाइट अफ डिस्टर्बड फ्लाई जो है ये डे uh, टाइम पे एक्टिव होती हैं लेकिन जो हॉटेस्ट पार्ट होता है डे का तब ये इनएक्टिव होती हैं लेस एक्टिव होती हैं और अगर इनको डिस्टर्ब किया जाए उस टाइम पे तो ये बाइट कर सकती हैं और इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करें पर मेथ्रेन इम्प्रेग्नेटेड क्लोथिंग एंड इंसेक्ट रिपेलेंट हैव नॉट बी इंप्रूव टू बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सेट से फ्लाईज बट दे विल प्रिवेंट अदर इंसेक्ट्स ठीक है अब ये जो क्लोथिंग है या इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं ये अभी तक वैसे रिपोर्ट नहीं हुआ कि ये फ्लाइज के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं लेकिन फिर भी दूसरे इंसेक्ट्स की बाइट्स या इलनेस जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो इनको यूज कर सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट अफ्रीकन ट्राईपेसोमी और स्लीपिंग सिकनेस